क्या चर्चा कर रहे थे आप लोग आरंभ में? कि मजबूती और कमजोरी, ये द्वैत के दो सिरे हैं और किसी भी एक सिरे पर बैठकर इन दोनों को समझा नहीं जा सकता। ये सर ने बात बताई थी, यहाँ से बात शुरुआत हुई थी। ये पहला पहला स्रोत था, फिर बात आगे बढ़ी, फिर मोहित जी अपने जीवन के बारे में कुछ बता रहे थे कि कैसे एक जो मजबूती और कमजोरी जो दो दो द्वैत के सिरे हैं, उसी तरीके से चलते रहना और फिर फिसल जाना, चलते रहना फिर फिसल जाना, और ये जो पूरा इसका एक चक्रवात है, ये भी एक द्वैत का ही एक अंग है, तो उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो मोहित जी बता रहे थे कि जो इसमें है वो कभी भी इससे बाहर नहीं निकल सकता, अगर मैंने ठीक समझा था। वो उस वीडियो से निकल के आ रहा था जो हम देख रहे थे। कहते हैं सांड लाल रंग के पीछे भागता है, उत्तेजित हो जाता है। कहानी ही है, क्योंकि वस्तुतः वो रंग देख ही नहीं सकता, पर कहानी पर ही चलते हैं। तुमने लाल रंग की कमीज पहन रखी है और वो तेजित हो रहा है, क्रोध से उफना रहा है, खुर रगड़ रहा है, लंबा चौड़ा दौड़ पड़ता है तुम्हारे पीछे, और तुम जानते हो कि तुम्हारी कमीज के लाल रंग के पीछे है। क्या करोगे, क्या करोगे? कमीज उतार दोगे ना? यही संसार का और तुम्हारा रिश्ता है। देखो कि संसार किसके पीछे है, देखो कि दुख किसे हैं, देखो कि डर किसे है। जिसे है उसे रहेगा, जब तक लाल रंग है तब तक सांड रहेगा और वो उसका पीछा करता ही रहेगा। हाँ, तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम इस पूरे चक्र से बाहर निकल जाओ। वो खेल चलता रहेगा, अब तुम दूर खड़े हो गए, वो कमीज उतार दी तुमने, और सांड उस कमीज को फाड़ रहा है, उसके चिथड़े कर रहा है, नोच रहा है। वहां तो जो चलना है चल रहा है, वहां तो जो चलना है वो चल रहा है, बस तुम उससे दूर हो गए, बाहर हो गए। वहां जो चलना है वो चलता रहेगा, उसको रोकने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ये कोशिश की कि लाल कमीज पहने पहने सांड को रोक लोगे तो भूल जाओ। नहीं, ये संसार है, ये तुम हो, वहां जो चलना है वो चलेगा, तुम उससे अलग हो जाओ तो ही बच सकते हो। वो मृत्यु है, कमीज शरीर है, सांड मृत्यु है, कमीज शरीर है। मृत्यु शरीर की ओर आकर्षित होगी ही, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, भाग नहीं पाओगे, लड़ नहीं पाओगे। तुम इतना ही कर सकते हो कि तुम जरा शरीर से अलग हो जाओ। वहां समाज है और उपयोगिता है, समाज पीछा करता है तुम्हारी उपयोगिता का, और वहां वो खेल चलेगा ही। जब तक उपयोगी हो तब तक समाज तुम्हारे पीछे लगा ही रहेगा। तुम इतना ही कर सकते हो कि जरा अनुपयोगी हो जाओ, दे दो उन्हें जो कुछ चाहिए, तुम कोने खड़े हो जाओ, लो अब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, अब नहीं करेंगे तुम्हारा पीछा। फिर कह रहा हूं, दूसरी विधि मत लगा लेना। ये व्यर्थ का युद्ध होगा, इस युद्ध में मत पड़ जाना कि कमीज भी पहने रहनी है, कमीज भी बचानी है, और सांड से भी, सांड एक नहीं है,
साधु ये सांडों का गांव। यहां हर गली सांड है और कमीज तुम्हारे पास बस एक रंग की है। गली बदलोगे तो नया सांड मिलेगा, कमीज बदलोगे तो नई कमीज मिलेगी, वो भी लाल। जब तक तुम्हारे पास कमीज है तब तक गली में सांड है। गलियां हैं सकरी, सोचो तुम सांड सकरी गली, एक ही उपाय है। उसी उपाय को निर्लिप्तता कहते हैं, उसी उपाय को साक्षित्व कहते हैं। जैसे आपने भी बोला कि उससे दूर हो जाओ, तो जैसे अब किसी को किसी आदत की लत पड़ी हुई है, ने वो लत देख ली, अब लत तो छूटेगी इससे कि वो उस चीज का भोग ना करे, जैसे एक सिगरेट पी रहा है। गलत है। तुम कमीज पहने पहने सांड से दूर नहीं हो सकते। हमारी कोशिश यही रहती है, हम कहते हैं, और इस बात को समझना, ये तुम्हें थोड़ा सा चौंकाने वाली लग सकती है, हम कहते हैं मुझे कोई बुरी लत है, हम कहते हैं मुझे कोई गंदी आदत है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हमें ये आदत छुड़ानी है। गलत। आदत जिसे है उसे लग गई। तुम ये कर सकते हो कि जिसे आदत लगी है उससे तुम अपने आप को छुड़ा लो। समझना, तीन चीजें हैं, सांड, कमीज और तुम, आदत, मन और तुम। तुम कोशिश ये करते हो कि तुम सांड और कमीज के रिश्ते को बाधित कर दो। तुम कहते हो सांड आए पर कमीज पर धावा न बोले। तुम ये चाहते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम्हारा और कमीज का रिश्ता बना रहे। तुम कमीज बचाना चाहते हो ना, तो तुम चाहते हो तुम्हारा और कमीज का रिश्ता कायम रहे, मैं कमीज पहने रहूं लेकिन सांड कमीज के पीछे ना आए। तो तुम कौन सा रिश्ता तोड़ना चाहते हो? सांड का और कमीज का। तुम कौन सा रिश्ता कायम रखना चाहते हो? अपना और कमीज का कायम रखना चाहते हो। ये गलत है, ये कभी सफल नहीं हो पाएगा। सांड और कमीज एक हैं, वो द्वैत के दो सिरे हैं, उनमें पारस्परिक आकर्षण होगा, वो कभी अलग नहीं हो सकते। तुम अलग हो, तुम अलग हो सकते हो। तुम्हारा स्वभाव है अनछुआ रहना, तुम्हारा स्वभाव है अद्वैत। सांड और कमीज एक हैं और वो द्वैत हैं। ठीक इसी तरीके से शरीर या मन और आदतें एक हैं। आदत माने ढर्रा। क्या ढर्रों के बिना मन है? तो जहां ढर्रा है वहां मन होगा ही होगा, और जहां मन है वहां ढर्रा होगा ही होगा। तो मन का तो अर्थ ही है आदत। पर तुम्हारी कोशिश क्या रहती है? तुम कहते हो कि जैसे मैं सांड से कमीज बचाना चाहता था वैसे ही मैं ढर्रों से मन बचाना चाहता हूं, मैं आदतें छोड़ना चाहता हूं। ये हो नहीं सकता, आदत छूटेगी नहीं। और जो छूट सकता है वो तुम छोड़ते नहीं क्योंकि उसमें तुम्हारा अहंकार आड़ जाता है। मन छूट सकता है, मन से ढर्रे नहीं छूट सकते। मन को ही छोड़ दो ना, उसके बाद मन को बोलो जा जितने ढर्रों में जीना हो जी। मन को छोड़ना माने क्या? मन को छोड़ना माने यही कि तुम्हें अब ढर्रों से कोई परेशानी ही नहीं, तुम्हें ढर्रों से कोई लेना ही देना नहीं। कमीज कब छूटती है? जब कमीज के प्रति अनासक्त हो जाते हो। हमें कुछ लेना ही देना नहीं इस कमीज से। मन कब छूटेगा? हमें कुछ लेना ही देना नहीं। तुझे तकलीफ हो तू जान, तुझे खुशी हो तू जान। अब सांड कमीज पहन ले
और उस पर इत्र मारे तो भी बहुत अच्छा, और सांड कमीज को फाड़ डाले तो भी बहुत अच्छा। अब ये कमीज का व्यक्तिगत मामला है, अब ये कमीज की निजी चिंता है, हम इसमें नहीं पड़ते। हमने त्याग दी, हम नग्न हो गए। अब आदत मन का जो करे, आदत को करने दो, हमने त्याग दिया, करने दो, चल रही आदत चलने दो। ये तो शायद सोच रहा हूँ इसके बारे में, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये नहीं आ रहा है समझ, ये अलग होना मतलब। ये समझने की बात ही नहीं है, क्योंकि ये समझने के लिए तुम्हें मन से समझना पड़ेगा। हाँ, और हम क्या कह रहे हैं, मन को त्याग दो। तो जिसको त्यागना है उसी को पकड़ के समझ रहे हो, तो कैसे समझ में आएगा? जिसे त्यागना है उसी को पकड़ के समझ रहे हो तो क्या त्यागा जाएगा? तुम्हारे पास जीने का माध्यम ही एक है ना, मन। उसके अतिरिक्त कभी जीना सीखा नहीं, और जब तक मन से संलग्न रहोगे तब तक मन की हर बीमारी, तब तक मन की हर लघुता तुम्हारी बीमारी और तुम्हारा छोटापन बन जाएगी। ये गलत संगत का नतीजा है, गलत चीज के साथ जी रहे हो। मन के साथ जो जिएगा वो मन जैसा ही हो जाएगा। जो लाल कमीज में है वो कैसा दिखेगा? जो लाल कमीज में है वो कमीज पर पड़ती चोट कहां लेगा? अब सांड ने सींग किसमें घुसेड़ा? कमीज में। लगा किसको? तुमको। आदत किसको लगी है? मन को। परेशान कौन हो रहा है? तुम। क्यों परेशान हो रहे हो? अरे उसे कमीज चाहिए ना, दे दो। सांड कहेगा, कमीज के पीछे तूने अपना पेट रखा क्यों? हमने तो कमीज में मारी थी सींग, हमने कहा था कि पेट ले आ बीच में। व्यर्थ तू अपनी हर जगह छाती घुसेड़ता है, क्यों तुम वहां घुसे हुए हो जहां तुम्हारी कोई जगह नहीं? कोई आदतों से जीत नहीं सकता, क्योंकि आदतों से जीतने तुम जो ले करके निकलते हो वो स्वयं एक आदत है। ये ऐसी सी बात है कि सामने कोई जबरदस्त चुंबक हो एक राज्य पर, एक जादुई चुंबक ने आक्रमण किया, भीमकाय चुंबक, दैत्याकार चुंबक, और चुंबक सब खींचे ले, और राजा निकल पड़ा कि आज मारूंगा इस चुंबक को। कैसे? लोहे की तलवार लेके। क्या होगा? ऐसे तुम आदतों से लड़ने निकलते हो। जो ले करके तुम आदत से लड़ने निकले हो वो स्वयं आदत का शिकार है, ठीक वैसे जैसे लोहा चुंबक का शिकार होके रहेगा। तुम जिससे लड़ने निकले हो तुम उसी के गुर्गों पर आश्रित हो उससे लड़ने के लिए। आदत से आदत को काटोगे क्या? आदत को तुम वास्तव में जानते नहीं, दूर रह करके ही ये खेल देखा जा सकता है कि देखो सांड क्या कर रहा है कमीज के साथ। अभी प्रश्न पूछता हूं, बताना, जब आदत के शिकार होते हो तो कभी देखा है अपने आप को ऐसे जैसे सांड और कमीज को देखा जाता है? कभी देखा है कि वो देखो आदत आई और वो रहा मन मेरा, और आदत ने मन के चिथड़े कर दिए? कभी देखा है ऐसे? देखो ऐसे, उसके बाद जितने चिथड़े होने होने दो, क्या पता ना हो, क्या पता हो भी तो तुम निर्लिप्त रहो।
ये आई आदत, ये आई आदत, आई 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 और मारा मन को, फिर गया। ये गई दाई बाजू, अब लगा जेब का नंबर, फटा कॉलर। देखो ना ऐसे कभी, देखो ऐसे अपने साथ होते हुए, और यही रोज होता है तुम्हारे साथ। आते हैं भारी प्रभाव और फाड़ के रख देते हैं तुमको कमीज की तरह। ये होते देखो तो, जब हो रहा होता है तब तुम्हें होश कहां होता है, तुम तो उस कमीज के अंदर होते हो। जो कमीज के अंदर है वो कमीज का हश्र कभी जान नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कमीज का हश्र उसका हश्र बन चुका है। जिसकी छाती में सींग घुसा हुआ हो वो कमीज को क्या देखेगा? वो तो ये कहेगा कमीज नहीं फटी। बाहर से जो आ रहा है वो प्रभाव है, डर रहा है, आदत है। सुख दुख और कुछ नहीं है, आदतों के नाम है। प्रयोग करके देख लो, अपने आप को ये प्रशिक्षण दे लो कि रोज शाम के 7 बजे सुखी हो जाना है। हो जाओगे अकारण, बस डर रहा है, डर रहा कोई कारण थोड़ी होता है। रोज अपने आप को ये प्रशिक्षण दे लो कि कौए की आवाज सुनते ही दुखी हो जाना, हो जाओगे। मन शरीर तो प्रशिक्षण पे चलते हैं, आप प्रशिक्षण इतने गहरे हो जाते हैं कि फिर लगते ही नहीं कि कभी प्रशिक्षित हुए थे, फिर लगता है जैसे कि ये तो स्वभाव है। तुम्हारी गहरी से गहरी वृत्ति भी मात्र प्रशिक्षण है जो तुम्हें समय ने दिया है। बड़े लंबे समय में, और कुछ नहीं है। उसके पीछे कोई वैध वाजिब मूल कारण नहीं है। माया अनादि होती है, उसका कारण नहीं खोज पाओगे। दो सूत्र हैं, अपने प्रति ईमानदारी, दूसरा अपने प्रति हल्कापन। तो जब आदत तुम पे छाए, अब वो आदत तुम्हारे व्याकरण में भले ही कितनी भी घटिया आदत क्यों ना हो, तो पहले सूत्र की मांग है कि तुम स्वीकारो। तुम बोलो बड़ी घटिया चीज है जो अभी मन पे छा गई। बोलना नहीं घटिया सिर्फ तुम्हारी परिभाषा में है, अस्तित्व में कुछ अटिया घटिया ऊंचा नीचा होता नहीं। तो पहली बात तो ये कि स्वीकारा, ये ईमानदारी है। और दूसरा सूत्र है हल्केपन का, हास्य का, कि यदि ये स्वीकारा कि कोई घटिया चीज छा गई है मन पर, तो इस स्वीकार के कारण बोझिल नहीं हो गए, इस स्वीकार के कारण दुखी नहीं हो गए। स्वीकारा भी और हंस भी लिए, मान भी लिया कि बड़ा घटिया काम है, और मान कर भी अपनी नजरों में गिर नहीं गए। जिसने ये दोनों चीजें एक साथ सीख ली उसने साक्षित्व सीख लिया। यही है साक्षित्व। साक्षित्व तो मतलब दूरी और आनंद, मन से दूरी, आत्मा का आनंद। दूरी है ईमानदारी, साफ साफ कहेंगे, ठीक ठीक कहेंगे।
मोहित होके नहीं, जुड़ के नहीं, आसक्ति में नहीं, साफ साफ कहेंगे कि देखो अभी डर उठा था, देखो अभी लालच उठा था, देखो अभी वासना उठी थी, देखो अभी बेईमानी उठी थी। ये दूरी है, ये मन से दूरी है। ठीक है, जो हो रहा था मन में हो रहा था, हमने कहा मन में हो रहा था, और दूसरा हम आत्मा में ही हैं, तो हमारे भीतर कोई हीनता नहीं आ गई। मन में कुछ भी हो रहा हो, हम मग्न हैं, हम आनंद में हैं, तो ये कहेंगे भी कि शुभंकर बड़ा घटिया आदमी है, और हंस के कहेंगे। ये अपने ऊपर चुटकुला सुनाने जैसी बात हुई। तो दो बातें हैं इसमें, पहली तो ईमानदारी, किसी और पे नहीं सुना रहे, अपना ही सुना रहे, और दूसरा अपना जो सुना रहे हैं रो रो के नहीं सुना रहे, हंस हंस के सुना रहे, अपनी पूरी कलई खोल देंगे, सब स्वीकार कर लेंगे। और वैसे भी नहीं स्वीकार करेंगे जैसा पादरी के सामने किया जाता है कि सर झुका करके हीनता के भाव में अपने को क्षुद्र और तुच्छ बोल के, सब मानेंगे और मजे में मानेंगे। अब सांडो कमीज फाड़ने दो, ये लड़ाई आज तक कोई जीत नहीं पाया, इससे दूरी ही बनाई जा सकती है, इसे जीता नहीं जा सकता। ये वो लड़ाई है जो तब जीती जाती है जब तुम्हारा इस लड़ाई से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ये वो लड़ाई है जो तब जीती जाती है जब तुम्हें इस लड़ाई में कोई रुचि नहीं रह जाती। जिस दिन तक तुम्हें इस लड़ाई में रुचि है, तुम हारे ही हारे, तुम्हारी हार भी हार और तुम्हारी जीत भी हार। तुम जीते उस दिन जिस दिन तुम कहो हमें लड़ने में कोई रुचि नहीं। अब तुम जीत गए, अब तुम जीत गए, अब तुम अलग हो गए, अब तुमने अपनी शुद्धता को पा लिया। आदत से हारोगे तो हारे ही, और जो लोग दावा करें कि वो आदत से जीत गए उनकी ज्यादा बड़ी हार है। जो आदत से हारे वो तो हारे ही, और जो आदत से जीत गए उनकी ज्यादा बड़ी हार है। क्योंकि कौन जीत गया? अहंकार जीत गया, वो जीते ना, हम वो जिन्होंने आदत को हरा दिया। अब ये नई आदत है, पुरानी आदत को नई आदत ने हरा दिया। आदत से लड़ो नहीं, न लड़ना ही जीत है। जैसे हम आप कह रहे हैं कि अपने आप से ही पराए हो जाएंगे एक तरह से, कि क्या हो रहा है फर्क नहीं पड़ता, तो इससे नुकसान भी तो होगा हमें। अपने से पराए नहीं हो गए, जब सांड कमीज फाड़ रहा हो तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जिस्म या कमीज, तुम किससे पराए हुए हो और किसके अपने हुए हो? अपने से मेरा मतलब वही था जो ईगो है। हाँ, तो समझो ना इस बात को। तुम्हें ये तो दिख रहा है कि किससे पराए हो गए, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि तुमने क्या अपना था जिसे बचा लिया, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि किसके निकट आ गए। यहां तो ये होता कि जो पराया है, पराया माने कमीज, उसके साथ साथ वो भी लहूलुहान हो जाता जो अपना है। उदाहरण में अपना क्या है, मात्र उदाहरण की बात कर रहा हूं, उस उदाहरण में तुम्हारा अपना क्या है, शरीर, तो पराये के साथ अपना भी मारा जाता। पराये को पराया घोषित करके तुमने उसको बचा लिया जो वास्तव में अपना है। जिन्हें
शरीर से कोई वास्ता हो वो आसानी से कमीज को दांव पे लगा देंगे। वो कहेंगे मूर्खता है कि कमीज की खातिर शरीर पे घाव सहें। अपना क्या है, पराया क्या है, समझो। तुमने परायों की रक्षा में अपने को कितना दुख दिया है कभी पाया है? कमीज बचाने के लिए शरीर को कितना कष्ट दिया है कभी देखा है? फिर शरीर बचाने के लिए मन को कितना कष्ट दिया है कभी देखा है? फिर मन बचाने के लिए आत्मा से कितनी दूर हो बैठे हो कभी ये देखा है? हमें पता कहां होता है अपना क्या पराया क्या, स्व का क्या ज्ञान हमें? हम तो पता नहीं किसको अपना समझे बैठे हैं और जो अपना है उसको भुलाए बैठे हैं। तुम देखो ना क्या क्या तुम्हारे मन में घूमता रहता है। जो घूमता रहता है मन में, क्या उसे ये कहते हो कि पराया है? उसको तो गंभीरता से लेते हो, गंभीरता देते हो उसे, उसी कारण वो घूम रहा है मन में। तुम्हारे मन में जो भी कुछ है, चिंताएं, सामग्री, उम्मीदें, क्या वो तुम्हारे मन में हो सकती थी यदि वो तुम्हें पराई लगती होती? वो तुम्हारे मन में बैठी ही इसीलिए है क्योंकि तुम्हें अपनी लगती हैं। और जब वो तुम्हें अपनी लगती हैं तो कभी देखा है किससे दूर हो जाते हो? शांति से दूर हो जाते हो, स्वास्थ्य से, चैन से दूर हो जाते हो। परायों को अपना कर लिया और इस चक्कर में किससे दूर हो बैठे, ये जाना कहां तुमने? सर लेकिन वो चिंताएं भी तो एक तरह शरीर के लिए होती हैं, अगर उनको पराया कर देंगे तो फिर शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। शरीर सिर्फ उदाहरण में तुम्हारा है, असल जिंदगी में भी अगर आप शरीर को देखें कि चिंताएं जब होती हैं आपको खाने की या कहीं जाने की, तो अगर उनको पराया कर देंगे क्योंकि वो चिंता ही शांति से दूर लेके जा रही है, तो उस चिंता को पराया करने से आप शरीर को इग्नोर कर रहे हैं। तुम बार बार कह रहे हो कि कमीज पर दाग लग जाएगा यदि सांड ने उसे मार दिया, तुम बार बार ये कह रहे हो। मेरे उसमें हम कमीज, हम शरीर नहीं है। तुम बार बार ये कह रहे हो कि शरीर को कुछ दिक्कत हो जाएगी। मैं कह रहा हूं शरीर कमीज है। जब तक तुम्हें कमीज से मोह है तुम उसे उतारोगे ही नहीं। जब उतारोगे ही नहीं तो पिटते रहोगे और कुछ नहीं होगा। तुम ये नहीं देखते हो कि जो पिट रहा है और जिसके कारण तुम्हें दर्द हो रहा है वो कमीज नहीं है, वो तुम हो। जब सांड तुम पे वार कर रहा होता है तो क्या घटना घट रही है, गौर करो। वो आ करके मार किसको रहा है? और दर्द कहां हो रहा है? छाती में। पर चूंकि तुमने कमीज से एका कर रखा है तो तुम्हें क्या लग रहा है कि दर्द भी किसको हो रहा है? कमीज को ही, क्योंकि मैं तो कमीज हूं ना। शरीर से तुमने एका कर रखा है इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि शरीर को सुरक्षा की जरूरत है। ये तुम्हारा तर्क वैसा ही है जैसे कोई कहे कि कमीज को बड़ा दर्द होगा ना, कमीज को कैसे छोड़ दूं। कमीज को कोई दर्द नहीं होता, कमीज के पीछे जो है उसे दर्द होता है। ठीक उसी तरीके से शरीर की कोई मांग नहीं होती, शरीर के पीछे जो मन है उसकी मांग होती है। उसकी बात करो, तुम्हारा तर्क बिल्कुल यही है कि कमीज को कितना दर्द होगा अगर उतार दी। और तुम्हें पता कैसे कमीज को दर्द होगा? मुझे पता है ना कमीज को दर्द होता है। कैसे पता? पिछली बार जब सांड ने मारा था कमीज को तो बड़ा दर्द हुआ था, तो देखो कमीज को दर्द होता है ना। यह तुम्हारा तर्क है, ये मूर्खतापूर्ण तर्क है। सो जाते हो, शरीर मांग करता है क्या कि भविष्य बनाओ, कि करियर बनाओ? ये सारी मांग शरीर की है क्या जिनसे तुम उलझे हुए हो? शरीर तो अपनी गति पर चलता है, बहुत सीमित बातें करता है, बहुत सीमित उसकी मांगे हैं। पर तुम ये भेद ही भूल गए हो कि कमीज में और देह में अंतर है और देह में और मन में अंतर है। तुम्हारी तो हालत ये है कि तुम्हें उपचार भी कराना होगा। सांड आया और खूब तुमको बिल्कुल धोबी पाट देके गया है,
अब जगह जगह से खून बह रहा है और जगह जगह दर्द हो रहा है, और जो खून बह रहा है वो किस पे लग गया है? कमीज पे। तो तुम जाओगे डॉक्टर के पास और बोलोगे कमीज का उपचार करिएगा, देखिए कितना खून है, और तुम कहोगे यहां बड़ा दर्द हो रहा है, हाँ कमीज को दर्द हो रहा है, और प्रमाण भी है ना, कमीज फटी है और कमीज में ही लहू के दाग हैं, तो निश्चित रूप से दर्द भी किसको हो रहा है? वही तुम्हारा तर्क है अभी कि शरीर की तो सुरक्षा करनी पड़ेगी ना, दर्द शरीर को नहीं होता, दर्द शरीर के पीछे जो है उसको होता है। कभी तुम्हारे पांव ने कहा है क्या कि मुझे दर्द है? किसने कहा है? हमेशा मन। हाँ, मतलब पता नहीं अभी सर्शन तो है नहीं, जैसे आपको एक आदत लगी हुई है, आपको दिख गया कि आदत के बाद पूरा शरीर भन्न आ जाता है, जो भी है मतलब वो है आदत, लेकिन आदत से कुछ वो होता नहीं, तब वो नहीं करते, तो वहाँ से रेजिस्टेंस आता है, लेकिन आप रेजिस्टेंस दे करोगे, ठीक है रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा, बट ऑफकोर्स आएगा, ये तो बात है ही, बिना मतलब जैसे पहले क्या होता था कि अगर कोई चीज़ रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ देख ली है कि भाई इसमें कुछ है नहीं, लेकिन वो आदत लगी हुई है कि उसके पास जाना है, तो आपने बोला ठीक है आप नहीं जा रहे, तो आप नहीं जा रहे तो मतलब उसका जो बैकलैश आएगा कि आप एक फ्लो को रोक रहे हो, वो तो है भाई, तो आप बस उस फ्लो को देख रहे हो कि ठीक है बैकलैश आ रहा है, तो क्या ये भी पार्टिसिपेशन है, या फिर मैं उस फ्लो को जाने ही, ये मैं अभी तो जब सांड मनदीप की शर्ट ले रहा था तो तुमने पीछे से अपने इस कैमरे से वीडियो बना लिया, हम्म, और फिर उसको पूरी रिकॉर्डिंग दिखाई, फिल्म दिखाई कि देखो ये इस तरह से हो रहा है, उसको देखने से क्या उसका दर्द कम हो जाएगा? ये सारी बातें तुम्हारे किसी काम आएंगी? सिर्फ एक चीज है जो तुम्हारे काम आ सकती है, वो क्या है कि जब सांड आए सामने तब तुम्हें ये होश रहे कि अभी कमीज उतारनी है, बाद में तुम रिकॉर्डिंग देख करके बनते रहो बड़े ज्ञानी, उससे ना फटी शर्ट सिल जाएगी ना देह का दर्द दूर हो जाएगा। स्मृति वाला ज्ञान कोई ज्ञान नहीं होता, ज्ञान जब स्मृति से उठे तो निरर्थक है, वही ज्ञान जब एक आत्मिक बोध से उठता है तत्काल, तब सार्थक होता है। दो तरह का ज्ञान होता है, स्मृतिबद्ध और बोध जनित। अभी तुम जो पूरा ज्ञान सुना रहे हो ये स्मृति वाला है कि जब ये होता है तब ये होता है, तुम रोक रोक करके उस पिटाई की फिल्म को विश्लेषण करते रहोगे, देखो इस क्षण पे बायां सींग घुसा बगल में, अब उससे क्या हो जाएगा, बगल का इलाज हो गया? जब घटना घट रही हो तब जगो, इतनी बातें मत करो, तब उतारो, तब उतारो, तब रोक लो उसी को, पता है गलत है ना, अन्यथा बाद में तुम जो सुना रहे हो बस दूसरों के लिए मनोरंजन होगा। नहीं बस वही बात, जो रोकना होता है जो मूवमेंट पे रोकना होता है कि अब गलत हो रहा है, पता है कि वो सेम गलत नहीं, ना गलत ना सही, उचित सम्यक, गलत और सही में विकल्प बच जाता है। सम्यक में निर्विकल्पता होती है, तब तुम्हें पता है कि मात्र यही विकल्प है, अब इसमें सही गलत कुछ है ही नहीं, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, यही है ही। सही गलत निर्धारित करते समय तुम ये विकल्प अपने पास रख लेते हो, हक अपने पास रख लेते हो कि कुछ और भी कर सकता हूं और मैं चूज कर, और जब तुम सही गलत का निर्धारण करोगे तो उसमें समय लग जाएगा,
आधा पल तो लगेगा, सांड उतने में घुसेड़ देगा, उसे आधा ही पल चाहिए। वो बड़ा चतुर, बड़ा तेज सांड है, तुमने उसे आधा पल भी दिया नहीं कि वो पकड़ लेगा तुमको, तुमको तुरंत उतारनी है। सोच के लिए जो आधा पल बचता है, लगता है, उस आधे पल की जगह नहीं है, और सोचने में उतना समय लग जाएगा, उतने देर में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए मन का इलाज सोच सोच के नहीं हो सकता, क्योंकि सोचने में कोई त्वरित घटना तत्काल घट नहीं सकती। कमीज उतारने से पहले मैं देख रहा हूं उसे, हाँ बिल्कुल, या सोच रहा हूं कि कैसे उतारूं, कहां उतारूं ना, इतने में वो आ जाएगा, इतने में तुम्हारा पूरा कार्यक्रम समाप्त। तत्काल सोच के नहीं, तत्काल सही गलत में सोचना पड़ेगा कि दिखा नहीं कि उतरी,